तो मेरा अभी यहाँ पर एड्स रन हो चुका है, ऐप जो है रन हो चुका है, हैलो वर्ल्ड, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो एक एक्टिविटी ओपन होता है और यहाँ पर हमारा फेसबुक का एड्स जो है वो शो कर देता है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है फेसबुक डॉट गेट, ये वाला जो ऐड है ये फेसबुक का बैनर एड्स है, तो हमारा यहाँ पर शो कर देता है। ओके हे एवरीवन, दिस इज अमित। सो साइबर अमित चैनल में आपका स्वागत है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना। मैं जो मोबाइल ऐप इंटीग्रेशन, मोबाइल जो ऐप में जो एड्स इंटीग्रेशन का सीरीज जो रनिंग कर रहा हूँ, उस सीरीज में हमारा एड मोब में बैनर एड, इंटरस्ट्रक्शन एड, रिवॉर्ड एड कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो से मैं फेसबुक एड्स नेटवर्क इंटीग्रेशन इन मोबाइल ऐप विथ एंड्रॉयड स्टूडियो बाई यूजिंग जावा हम सीखेंगे। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम फेसबुक का जो बैनर एड्स है वो हम एंड्रॉयड स्टूडियो में एंड्रॉयड ऐप में इंटीग्रेट करा रन करेंगे। तो बेसिकली मैं एक एंड्रॉयड स्टूडियो का मैं एक प्रोजेक्ट ओपन कर चुका हूँ। उस प्रोजेक्ट में मेरा एक्टिविटी मेन डॉट एक्सेवन है जो है डिजाइन पोर्शन, और मेरे पास है मेन एक्टिविटी डॉट जावा, क्योंकि मैं जावा में कोड करने वाला हूँ। तो मेरे पास है मेन एक्टिविटी डॉट जावा, तो ये कुछ नहीं है। तो मैं पहले क्रोम में जाता हूँ, और क्रोम में जो ये वाला मैंने लिंक ओपन किया हूँ, ये वाला लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ये फेसबुक फॉर डेवलपर्स, ये ऑफिशियल पेज है। यहाँ पर फेसबुक ने खुद ने ही प्रोवाइड किया है कैसे ऐड को इंटीग्रेट करता है, मगर मैं इस एड्स को हमारा जो एंड्रॉयड स्टूडियो का ऐप में इंटीग्रेट करके मैं दिखाऊंगा। तो ये वाला जो वेबसाइट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर चेक करना। तो पहले यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो में प्रोजेक्ट तो मैं क्रिएट कर चुका हूँ। यहाँ पर जो डिपेंडेंसी है, इस डिपेंडेंसी को मुझे पहले मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो का प्रोजेक्ट में ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इस डिपेंडेंसी को मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो में प्रोजेक्ट में ऐड करना पड़ेगा। तो ये वाला जो डिपेंडेंसी है, इस डिपेंडेंसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं जो ग्रेडल स्क्रिप्ट है दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर जो बून डॉट ग्रेडल मॉड्यूल हेलो वर्ल्ड है, यहाँ पर जो डिपेंडेंसी वाला सेक्शन है, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर जो कंपाइल है, ये हमको कंपाइल नहीं रखना है, ये हमको इम्प्लीमेंटेशन रखना है। और यहाँ पर आप ऑन एंटर प्रेस करके रिप्लेस विद स्पेसिफिक वर्सन पे क्लिक करिए, तो ये स्पेसिफिक वर्सन पे रिप्लेस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो सिंक नाउ बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप सिंक नाउ बटन क्लिक करिए, आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर से मैं क्रोम पे आ जाता हूँ, और यहाँ पर डिपेंडेंसी में अगर आप मैन्युअली इंस्टॉल करते, नहीं, हम ऑटोमेटिकली डिपेंडेंसी ऐड कर देते हैं। उसके बाद इंटीग्रेशन एरर, यह कुछ नहीं है। उसके बाद हमें जो करना है वो एंड्रॉयड स्टूडियो में आ जाइए, और यहाँ पर जो मैनिफेस्ट फाइल है यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर आप यूजर्स परमिशन इंटरनेट दे दीजिए, यूजर्स परमिशन इंटरनेट जो है दे दीजिए, अच्छे से ऐड चलान हो गए। यूजर्स परमिशन एक्सेस नेटवर्क स्टेट, ये वाला आप दो परमिशन दे दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। आपका एड्स आराम से एड्स को, फेसबुक के एड्स को शो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर फेसबुक के तरफ से बहुत सारे ऐड यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। बैनर एड्स है, नेटिव एड्स है, नेटिव बैनर एड है, इंटरस्ट्रक्शन है, रिवॉर्ड एड्स है। तो इन दिस जो मैं सीरीज क्रिएट कर रहा हूँ, इस सीरीज में मतलब ये जो मोबाइल एड्स इंटीग्रेशन का सीरीज हो रहा है, यहाँ पर मैं क्या क्या एड मोब का तो शो कर चुका हूँ, अभी फेसबुक का मैं क्या क्या शो करूंगा, बैनर एड्स शो करूंगा, इंटरस्ट्रक्शन एड्स शो करूंगा, और रिवॉर्ड एड्स शो, रिवॉर्ड वीडियो जो एड्स है शो करूंगा। अगर आपको नेटिव एड्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके मुझे जनाइए। तो मैं पहले बैनर एड्स में क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एडिंग पैनल लेआउट आपको मुझे ऐड करना पड़ेगा, बैनर कंटेनर फेसबुक एड्स इंपोर्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बैनर कंटेनर ऐसे ही ऐड हो जाएगा। तो पहले हमको एक कंटेनर ऐड करना पड़ेगा, ये वाला जो एग्जीमेंट वाला पोर्शन है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद मैं एंड्रॉयड स्टूडियो में ये वाला जो रिलेटिव लेआउट है यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं है। और सेंट्रल हॉरिजॉन्टल, उसके बाद यहाँ पर ये एड्स दिखाई देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, ये वाला जो है, ये वाला आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, प्राइवेट एड व्यू, एड व्यू आपको कॉपी कर लीजिए, ऑब्जेक्ट, सॉरी नॉट वेरिएबल, दिस इज अ ऑब्जेक्ट, आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक डिक्लेयर करना पड़ेगा। आप मेन एक्टिविटी डॉट जावा पे आ जाइए, और यहाँ पर नीचे आ जाइए और इसको पेस्ट कर दीजिए। दिखाई पड़ रहा है एड व्यू में रेड साइन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एड व्यू के ऊपर आपको माउस होवर करना पड़ेगा, उसके बाद ऑन और एंटर दबा के इसको इंपोर्ट करना है आपके प्रोजेक्ट में। उसके बाद ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन इनिशियलाइजेशन है, इसको आप आराम से कॉपी करिए, नो डैट, ये वाला जो है यही है हमारा मेन कोडिंग। और यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं, और एड साइज यहाँ पर भी इसको इंपोर्ट कर दीजिए, मैं इंपोर्ट कर देता हूँ, लिनियर लेआउट इंपोर्ट कर देता हूँ।
बस यहाँ पर जो फाइंड फ्यू बाई आईडी इंडियन लेआउट है एट कंटेनर मैनर कंटेनर, ये इस वाला आईडी से मैच करना पड़ेगा तभी इसे शो करेगा। तो इस वाला आईडी से ये मैच कर चुका है और यहाँ पर एड व्यू लोडेड करा है। उसके बाद और कोई स्टेप है वगैरह तो मैं देख देता हूँ। ऑन डिस्ट्रॉय, अगर आपका ऐप, ये अभी के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। एडिंग एड लिसनर, ये भी हमको, मुझे एड लिसनर अभी नहीं देना है। उसके बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, जो एड व्यू का जो यहाँ पर है प्लेसमेंट आईडी, अगर आप फेसबुक में एड्स को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और उससे अर्न करना चाहते हैं, तो आपको फेसबुक में डेवलपर जो अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, वहाँ से आपको न्यू ऐप ऐड करके वहाँ से एड्स का प्लेसमेंट आईडी लेके यहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा। मैं अभी ये डमी के लिए दिखा रहा हूँ, तो मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ। उसके बाद आपको एड बैनर का जो साइज है वहाँ पर दिखाई दे रहा है, बैनर का हाइट अभी 50 है। अगर क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर बैनर का हाइट आपको दिखाई दे रहा है, बैनर 50 हो सकता है, बैनर 90 हो सकता है, साइज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और रेक्टेंगुलर हाइट 250 हो सकता है। तो अभी मैं बैनर 50, नहीं तो आप कह रहे हैं तो मैं बैनर 90 में दे देता हूँ। आप कहाँ पर, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सॉरी। हाँ, बैनर हाइट यहाँ पर मैं हाइट 90 कर देता हूँ, सॉरी, बैनर हाइट 50 और यहाँ पर मैं 90 कर देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एड साइज रेफरेंस, तो मेरा ये बैनर एड्स अभी कंप्लीट हो चुका है। मैं इसको अभी मैं रन करूंगा मेरा एंड्रॉयड डिवाइस में। तो तब तक के लिए सी आई हैव ए गुड डे। ओके बाय बाय, टेक केयर। अगले वीडियो में मैं क्या करूंगा, इंटरेस्टिंग से नेट्स लेके आऊंगा। तो ओके बाय।